I'm Dr. Ashutosh Sinha, HOD of Pediatrics in Fortis Hospital, Noida. So today I'm going to talk about importance of early diagnosis and treatment for multisystem inflammatory syndrome, which we are seeing quite often now. मेरी बेटी भी पिछले सात छः सात तारीख को इसकी थोड़ा फीवर आया था एंड फिर मैंने हमारे पास में एक डॉक्टर मैंने उनको दिखाया उस दिन थोड़ा फीवर था तो उन्होंने मतलब इसी की चेक किया एंड कुछ दवाइयाँ दी तो दो दिन बाद फीवर जो है मतलब 98-99 पे आ गया जो कि 102 पे था आफ्टर डैट इसको लूज मोशन स्टार्ट हुआ एंड लूज मोशन नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ तो मैं फिर डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने फिर एक दवा लिखी और कुछ टेस्ट लिखे उन्होंने बोला नेक्स्ट डे आप टेस्ट करा के फिर नेक्स्ट डे आने को तो नेक्स्ट डे फिर मैंने सुबह सुबह इसको टेस्ट करवाया एंड आफ्टर डैट मेरे मन में ऐसे ही आया कि मतलब इसे कि मैं ज़रा इसका ऑक्सीजन चेक कर लूँ दोपहर के टाइम पे 2:30 बजे के आसपास मैंने चेक किया तो इसका ऑक्सीजन लेवल 79, 88, 90 वेरिएबल में दिख रहा था तो फिर हमने कहा कि एक और डॉक्टर से हम कंसल्ट कर लेते हैं उनके पास जैसे ही हम गए तो देखते ही उन्होंने बोला कि मतलब इसको तुरंत एडमिट करवाओ और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है तो तुरंत फिर हम वहाँ से सीधे फोर्टिस हॉस्पिटल आए और यहाँ पे इमरजेंसी में एडमिट कराया बच्चा हमारे पास लेट नाइट आया इमरजेंसी में और काफ़ी बीमार था और इनफैक्ट उसमें डिहाइड्रेशन के बहुत साइंस थे शरीर की पानी बहुत निकल गई थी और बच्चे की सांस बहुत तेज चल रही थी जनरली ये वाली सिंड्रोम पोस्ट कोविड होती है यानी कि बच्चे को या तो कोविड हुआ है या फिर किसी के एक्सपोजर में आए हों जब हमने पेरेंट्स से डिस्कशन किया तो उन्होंने बताया कि कोई कोविड की हिस्ट्री नहीं है जब हमने उसको एडमिट किया दवाइयाँ स्टार्ट किया एंटीबायोटिक्स स्टार्ट किया लेकिन उसकी कंडीशन जो है वो मिनट टू मिनट डिटोरेट हो रही थी और हमें लग रहा था कि इसको वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ सकता है डॉक्टर आलोक एंड जो भी उस समय देख रहे थे उन्होंने बताया कि काफ़ी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है और आपकी बेटी कभी भी एक दो घंटे में वेंटिलेटर पे जा सकती है तो हमने बोला जो भी कर सको जैसे भी करो आप करो और हमें हमारी बेटी ठीक करके दो फिर उन्होंने मतलब इलाज स्टार्ट किया डॉक्टर आशुतोष के गाइडेंस में तो फिर हमने उस समय एक डिसीजन लिया कि इसको हम एंटीबायोटिक से तो कवर हमने कर ही लिया है और इसे हमें MISC सिंड्रोम के हिसाब से ट्रीट करनी है और ब्लड रिपोर्ट के वेट किए बिना ही हमने फिर इसके स्टेरॉइड स्टार्ट किए और फिर कुछ घंटों के बाद IVIG एक स्पेशल मेडिसिन है जो यूज़ की जाती है इसमें वो स्टार्ट किया और सुबह तक काफ़ी बेहतर था करीब करीब 30-40% की इम्प्रूवमेंट थी उसके वाइटल्स में और उसके वेलबींग में उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है काफ़ी कम हो गई थी और उसकी सांस की तकलीफ भी काफ़ी कम हो गई थी और हमें वेंटिलेटर पे डालने की रिस्क काफ़ी हद तक कम हो गई थी जब हम आए थे उस समय बहुत सारे पैरामीटर्स थे जो कि बहुत बिल्कुल एबनॉर्मल थे पहले दो दिन तक तो हमें लग रहा था कि मेरी बेटी अब गई मतलब जो कंडीशन थी और जो सिचुएशन था बट हाँ आफ्टर मतलब 48 आवर्स हमारे अंदर थोड़ा सा मतलब बिलीव आने लगा कि हाँ अब तो रिकवरी कर रही है तो फिर हमने इसके ब्लड टेस्ट में इसकी एंटीबॉडीज चेक किया और एंटीबॉडीज़ की रिपोर्ट जब आई तो वो काफ़ी हाई थी इसका मतलब इस बच्चे को अननोइंगली कोविड की एक्सपोजर थी जिसके कारण की एंटीबॉडीज़ बने उस बच्चे को आज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं और वो बच्चा बिल्कुल ही नॉर्मल है और बिल्कुल ही कोई भी कॉम्प्लिकेशंस उसमें नहीं आई हैं आज हमारी एनिवर्सरी है तो आज मेरी बेटी घर जा रही है तो आज हम लोग इसका बर्थडे मनाएंगे तो उन्हीं की देन है कि आज मेरी बेटी मुझे मिली मैं जिस हालत में आई थी मैं बहुत परेशान थी अच्छा डॉक्टर मिलना इस टाइम बहुत मुश्किल है और हमें डॉक्टर आशुतोष ने बहुत बढ़िया रूप में मिले और टीम वर्क उनका बहुत बढ़िया है अगर बच्चे को 3 दिन से ज़्यादा फीवर है अगर बॉडी में रैशेज हो रहे हैं आँखें लाल हो रही है या माउथ के अंदर घाव हो रहे हैं या हाथ पैर में सूजन हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और अगर ज़रूरत पड़े अगर डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर रहे हैं किसी ब्लड टेस्ट के लिए तो वो ब्लड टेस्ट करवाएं और हमेशा ही डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहें और क्योंकि इस बीमारी का एक ही गूढ़ मंत्र है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट थैंक यू